हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कोरियन लैंग्वेज के बेसिक सिखाने वाली हूँ और फर्स्ट स्टेप किसी भी लैंग्वेज का होता है उसका कैरेक्टर सीखना। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कोरियन के अल्फ़ाबेट्स और हम ये सारे हिंदी में देखेंगे, तो आपको बहुत आसानी से सारे समझ में आ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को साथ साथ फॉलो करते रहिएगा और बोलने का और लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा साथ में, ठीक है? तो हम स्टार्ट करने वाले कोरियन अल्फ़ाबेट, और सबसे पहला चीज़ होता है वॉवल्स। जैसा कि आप जानते हैं तो कोरियन में एक्चुअली 10 वॉवल्स होते हैं, और हम अभी इन सारे 10 वॉवल्स को लिखना और बोलना सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो ये 10 वॉवल्स होते हैं, बहुत सिंपल है, और आप अगर जानते हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों सिचुएशन में आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं, क्योंकि मैं साथ साथ में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रोनंसिएशन बताते रहूँगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कोरियन में पहला वॉवल जो होता है वो होता है आ साउंड। आ कैसे लिखते हैं हम? एक सीधा लाइन और उसके साइड पे एक और लाइन, ठीक है? ये कोरियन का आ हुआ। इससे मैं यहाँ पे हिंदी वाला भी लिख देती हूँ। इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आ, ठीक है? इंग्लिश में कहें तो डबल ए साउंड। ओके, तो ये हो गया आपका पहला कैरेक्टर आ। अब हम जाते हैं सेकंड कैरेक्टर पे, जो कि बहुत सिमिलर है आ साउंड से। इसे कहते हैं या। या मतलब य और आ की मात्रा जैसे हुआ, वही साउंड हुआ ये कैरेक्टर आपका। और इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वाई ए। तो ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टर आ। इसी में आप एक और लाइन नीचे में जोड़िएगा हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा या, ठीक है? मूविंग ऑन, हमारा थर्ड कैरेक्टर है, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं अ। यानी हिंदी का पहला कैरेक्टर जो होता है अ, वो हुआ हमारा थर्ड कैरेक्टर कोरियन में। इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ई ओ, अ साउंड हुआ। आई डोंट थिंक इसका इंग्लिश में कोई इक्विवेलेंट परफेक्ट हुआ, बट आप इसे हिंदी में समझिए, ये अ हुआ, ठीक है? तो पहला हुआ आ, फिर या, फिर अ। अ बेसिकली आ का उल्टा हुआ। इसमें हम राइट साइड में डैश देते हैं, इसमें हम लेफ्ट साइड में देते हैं, ठीक है? अब आप इसके बाद तो गेस कर ही सकते हैं कि नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा। वो होगा य, और वो सेम ही चीज़ हुआ दो डैश। तो आप देखिए ऐसे करके कीजिएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो ये हुआ हमारा य साउंड, वाई ई ओ, ठीक है? वेरी इजी। अब साथ में एक बार पढ़ लेंगे। ये हुआ हमारा आ, ये हुआ या, अ, य, ठीक है? साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाइए। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, ये होगा हमारा ओ, ठीक है? इसे हम ऐसे लिखते हैं, एक सीधा लाइन और उसके नीचे एक लाइन, ये हुआ ओ, ठीक है? जैसे इंग्लिश में लेटर ओ होता है, और हिंदी में भी ये ओ लिखते हैं हम ऐसे ओ। और ये आप गेस कर ही लिए होंगे, ये हुआ हमारा यो, ठीक है? आप इसे लॉजिक से समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ भी दो डैश होते हैं उसे हम य साउंड में पढ़ते हैं, ठीक है? और जहाँ सिंगल डैश हुआ वो अ साउंड हुआ, तो ये हो गया यो। अब नेक्स्ट होता है, उसे हम कहते हैं ऊ, यानी दीर्घ ऊ, जो हिंदी में हुआ ऊ। इंग्लिश में कहें तो डबल ओ साउंड हुआ उ, और ये हो गया हमारा यू, मतलब य और ऊ की मात्रा, ये हो गया यू। ओ सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर सिंगल लाइन ही होगा। देखिए वेरी सिंपल, ये हुआ आ, या, अ, य, ओ, यो, उ, यू, ठीक है? अभी हमने कहा था 10 होते हैं, तो लास्ट के दो देख लेंगे हम। ये एक्चुअली थोड़ा यूनिक प्रोनाउंसिएशन है,
ऐसा इंग्लिश में तो कोई लेटर होता नहीं है, हिंदी के लिए भी मैं कोशिश करती हूँ। इसे हम पढ़ते हैं ईयर, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से साउंड आ रहा है ई ईयर, ईयर, ठीक है? इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, ईयर। ये होता है एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधा लाइन खींचेंगे, और लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो होता है एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, सीधा लाइन, इससे हम कहते हैं ई। कैसे बोलेंगे? ई, ऑलमोस्ट लाइक दीर्घ ई हिंदी की, और इंग्लिश में हम उसे लिख सकते हैं दो ई, ठीक है? तो ये हो गए हमारे 10 कैरेक्टर्स कोरियन के वावल्स, ठीक है? अभी हम इसे साथ में एक बार पढ़ लेंगे और फिर आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसे कहते हैं आ या अ य ओ यो ऊ यू ए ई, ठीक है? आप इसे बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का, बिकॉज आपको पता ही होगा वावल्स कैसे यूज होते हैं। उसे मात्रा की तरह यूज करेंगे तो ये सारे वर्ड्स बनाने में, सिलेबल्स में, हर चीज में काम आएंगे। तो ये हुआ आपका पहला लेसन, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, और नेक्स्ट लेसन में हम जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कोरियन में दो टाइप के वोवल्स होते हैं, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल, एक होते हैं वर्टिकल, ठीक है? मतलब एक हुआ ऊपर से नीचे और एक हुआ दाएं से बाएं, ठीक है? तो जो भी लंबे यानी सीधा लाइन वाले वर्टिकल वोवल्स होते हैं, जैसे आ या अ या हुए और ये ई, इनके हम जब लिखते हैं, जब ये फर्स्ट कैरेक्टर होते हैं तो हम इसके साइड में एक सर्कल बना देते हैं, ठीक? अब इसका क्या मतलब हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे के वीडियोस में, बट अभी के लिए हम समझ लीजिए कि जब हम इसे सिंगल लिखेंगे तो हम इनके साइड पे एक सर्कल बना देंगे। इस सर्कल का बेसिकली मतलब हुआ कि ये नल या वॉइड टाइप का कुछ सिग्निफाई करता है, ठीक है? इसका मतलब जैसे इसके आगे कुछ नहीं है, ये पहला है। तो जब हम अकेले वॉवल्स लिखते हैं तो हम उसे ऐसे ही नहीं लिखेंगे, उसके साइड पर हम एक सर्कल बना देंगे। और जब हम लंबे यानी हॉरिजॉन्टल वालों को लिखते हैं तो हम इनके ऊपर में सर्कल बनाते हैं, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं छोड़ा था इसीलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर आप देखिएगा तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है? तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा जब आप स्क्रिप्ट लिखने जाएंगे कि जो भी हॉरिजॉन्टल होंगे उनके ऊपर में सर्कल होगा और जो भी वर्टिकल होंगे उनके साइड पे सर्कल होगा, ठीक है? इसका यूज हम करेंगे आगे के वीडियोस में जब हम वर्ड्स बनाएंगे। अभी के लिए आप बस इतना को ध्यान रखिए, इन अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस कीजिए, और अगले वीडियो में मैं कॉन्सनेंट्स की बात करूंगी तो उसे जरूर देखिएगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे मैं कोरियन में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी और आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये पढ़ना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।